सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि ईश्वर की दया से आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ तथा सुरक्षित होंगे और साथ ही अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 13 संज्ञा का अध्ययन करेंगे। यह पाठ कक्षा 6 के छात्रों के लिए है। तो आइए बच्चों, हम अपने इस पाठ को शुरू करते हैं। पाठ 13 संज्ञा। सबसे पहले हम जानेंगे संज्ञा किसे कहते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चों, मैं आपके सामने कुछ वाक्यों को पढ़ूंगी, आप सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। विशाल का मित्र आर्यन दुबई से दिल्ली आया है। दोनों मित्र कमल मंदिर देखने गए। मंदिर की सुंदरता देखकर वे हैरान रह गए। मंदिर के भीतर बहुत शांति थी। आसपास दूर तक हरियाली फैली थी। लौटते समय दोनों ने आइसक्रीम खाई। यहाँ पे बच्चों, जो वाक्य मैंने पढ़ा है, इसमें आप देख रहे हैं कुछ शब्द जो हैं वो लाल रंग से, रंगीन शब्दों से आपको दिखाई दे रहे हैं। ये रंगीन शब्द जो है बच्चों, ये किसी ना किसी के नाम हैं। जैसे कि विशाल और आर्यन, ये किसके नाम है? ये प्राणियों के नाम है। फिर दुबई, दिल्ली, कमल मंदिर, ये किसके नाम है? स्थान के नाम है। फिर आइसक्रीम जो है वो वस्तु का नाम है। फिर हम देखेंगे हरियाली, सुंदरता और शांति, ये सब किसके नाम है? ये भाव के नाम है। ये सभी संज्ञा शब्द हैं। संज्ञा का अर्थ ही है नाम। नाम से ही प्रत्येक प्राणी, वस्तु आदि की पहचान होती है। तो एक बार हम फिर से देखेंगे कि संज्ञा की क्या परिभाषा है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो अब हम देखेंगे संज्ञा के बाद संज्ञा के भेद। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के मुख्य 3 भेद होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है हमारा भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है, पता चलता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मैं आपके सामने कुछ उदाहरण पढ़ूंगी, आप उसे सुनेंगे। मेरी कौम ने मुक्केबाजी में देश का नाम ऊंचा किया। दूसरा है हमारा, देश विदेश से पर्यटक ताजमहल देखने आगरा आते हैं। इन दोनों वाक्यों को मैंने पढ़ा। इन वाक्यों में बच्चों, आपको इसमें भी रंगीन शब्द से दिखाई दे रहा है मेरी कौम। मेरी कौम क्या है? एक विशेष महिला या व्यक्ति का नाम है, ठीक है? जो मेरी कॉम मैंने पढ़ा, ये क्या है? एक महिला का नाम है। फिर आप दूसरी तरफ देख रहे हैं आगरा। आगरा क्या है? एक स्थान का नाम है। और ताजमहल क्या है? एक विशेष इमारत का नाम है। ये शब्द क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? कि जिस शब्द से किसी विशेष प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? जैसे महात्मा गांधी, मदर टेरेसा, अमिताभ बच्चन, राकेश, विजय, कमल, कुर्सी, मेज, रामचरितमानस, गंगा, हिमालय, लाल किला, कोलकाता आदि, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। अब हम दूसरा देखेंगे जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या है? जिस शब्द से किसी वर्ग या जाति के सभी पदार्थों, वस्तुओं या प्राणियों का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे भी मैं आपको कुछ उदाहरण बता रही हूँ। जैसे बच्चे मैदान में पतंग उड़ा रहे हैं, पक्षी पेड़ों पर चहचहा रहे हैं। यहाँ पे भी बच्चों, इन वाक्यों में बच्चे और पक्षी शब्द किसी विशेष प्राणी का बोध ना कराते हुए उनकी पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। इसी प्रकार मैदान,
पेड़ों शब्द उनकी पूरी जाति या वर्ग का बोध करा रहे हैं। इसलिए ये क्या कहलाते हैं? जातिवाचक संज्ञाएं हैं। जातिवाचक संज्ञाएं में कौन कौन से शब्द आते हैं? लड़का, लड़की, स्त्री, पुरुष, कुर्सी, मेज, शहर, नगर, पुस्तक, इमारत, फल, नदी आदि। ये क्या है? जातिवाचक संज्ञाएं हैं। अब हम तीसरा देखेंगे। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के गुण, दोष, दशा, भाव या स्थिति का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे भी हम उदाहरण देखेंगे कि कमरे की सजावट देखकर माँ बहुत खुश हुई। दूसरा उदाहरण है नीलिमा और अरणिमा। अनिमा ने गहरी मित्रता है। यहाँ पे भी वाक्यों में बच्चों सजावट और मित्रता शब्द क्या है? दशा अथवा भाव के नाम है। इन्हें हम केवल महसूस कर सकते हैं, छू नहीं सकते। ये कौन सी संज्ञाएं हैं? ये भाववाचक संज्ञाएं हैं। तो भाववाचक संज्ञा में क्या क्या शब्द आते हैं? सत्य, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम, अहिंसा, हरियाली, सुंदरता, बचपन, बुढ़ापा, मानवता, हार जीत, ऊंचाई, पढ़ाई आदि शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञाएं हैं। अब हम देखेंगे बच्चों, संज्ञा के दो भेद और माने जाते हैं, किंतु इन्हें जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रखा जा सकता है। ये दो भेद क्या है? पहला है समुदायवाचक संज्ञा और दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो हम सबसे पहले देखेंगे समुदायवाचक संज्ञा क्या है। जिस शब्द से किसी समुदाय या समूह का बोध होता है, उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण है बच्चों, मैच देखने के लिए स्टेडियम के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि, और दूसरा उदाहरण में हम देखेंगे, हमने जंगल में कुलांचे भरता हिरनों का झुंड देखा। यहाँ पे भीड़ और झुंड शब्द क्या है? समूह या समुदाय का बोध करा रहे हैं। तो ये क्या है? समुदायवाचक संज्ञाएं हैं। इसमें कौन से शब्द आते हैं? गुच्छा, सेना, दल, टोली, सभा आदि, ये सब क्या है? समुदायवाचक संज्ञाएं हैं। अब हम देखेंगे दूसरा खा है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य पदार्थ अथवा धातु का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में बच्चों, माँ घी में पूरियां तल रही है। दूसरा उदाहरण है, मेहमानों को चांदी के बर्तनों में खाना परोसा गया। यहाँ पे घी और चांदी शब्दों में क्रमशः पदार्थ और धातु का बोध हो रहा है। तो ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। इसमें कौन से शब्द आते हैं? गेहूं, सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल आदि, ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। अब हम देखेंगे भाववाचक संज्ञाएं बनाना। भाववाचक संज्ञाएं चार प्रकार के शब्दों से बनती हैं, जातिवाचक संज्ञाओं से, और दूसरा है हमारा सर्वनामों से, विशेषणों से, तीसरा है और चौथा है क्रियाओं से। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला जातिवाचक संज्ञाओं से बनी भाववाचक संज्ञाएं। जातिवाचक संज्ञा है हमारा मित्र और इससे भाववाचक संज्ञा बनी मित्रता। फिर है हमारा बच्चा। बच्चा क्या है? जातिवाचक संज्ञा और उससे बना हमारा भाववाचक संज्ञा बच्चा से बचपन। फिर हम देखेंगे दूसरा हमारा है सर्वनामों से बनी भाववाचक संज्ञाएं। सर्वनाम है हमारा आप, इससे भाववाचक संज्ञा बनी आप से आपा। फिर है हमारा अपना। अपना क्या है? सर्वनाम और इससे भाववाचक संज्ञा बनी अपनापन। फिर हम तीसरा देखेंगे विशेषणों से बनी भाववाचक संज्ञाएं। विशेषण है हमारा अच्छा और उससे भाववाचक संज्ञा बनी अच्छाई। फिर हमारा विशेषण आलसी और उससे भाववाचक संज्ञा बनी आलस्य। फिर हम देखेंगे चौथा जो कि आखिरी है हमारा क्रियाओं से बनी भाववाचक संज्ञाएं। तो उड़ना हमारा क्या है? क्रिया और उससे भाववाचक संज्ञा बनी उड़ान। हंसना क्या है? क्रिया और इससे इसकी भाववाचक संज्ञा है हंसी। फिर हम देखेंगे हमारा है हारना, क्रिया है हमारी और उससे भाववाचक संज्ञा बनी हार।
फिर हमारा है खोजना, खोजना हमारा एक क्रिया है और इससे भाववाचक संज्ञा बनी खोज। तो बच्चों एक बार हम फिर से इस पाठ के प्रमुख बिंदुओं को देखेंगे कि इस पाठ में हमने क्या सीखा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के तीन भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। फिर हमने देखा संज्ञा के दो भेद और माने जाते हैं, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक। फिर हमने पढ़ा भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्दों से होता है। तो आशा करती हूँ बच्चों कि मैंने आपको आज का ये पाठ, पाठ 13 संज्ञा पढ़कर समझाया, आप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब इसी पाठ से संबंधित सभी कार्य आपके विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। धन्यवाद।